हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किस प्रकार से विक्टोरिया न्यूलैंड को हटाया गया अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से। और विक्टोरिया न्यूलैंड मतलब वॉर, विक्टोरिया न्यूलैंड मतलब दूसरे देशों में तख्ता पलट की कोशिश, और विक्टोरिया न्यूलैंड मतलब मास्टरमाइंड ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो इनको हटाया गया है अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से। उसके बाद एक और चीज सामने आई, और ये बात आती है वॉशिंगटन पोस्ट के माध्यम से, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट से मालूम पड़ता है कि दो महिलाएं, एक तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की की वाइफ, और दूसरे नवेलनी जो रूस के ऑपोजिशन के नेता थे कुछ समय पहले जिनकी डेथ हुई, उनकी वाइफ, इनको बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, बाइडन व्हाइट हाउस ने जो स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस होता है राष्ट्रपति का उसमें इनवाइट किया था, लेकिन इन दोनों ने डिनाई किया। अब अखबार के हिसाब से हम चलें तो डिनाई करने के पीछे का जो कारण बताया गया है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी का ऑलरेडी कार्यक्रम था एक जो ऑर्फनेज में, यतीम खाने में, और इसलिए वो नहीं आ सकती। लेकिन आप ये समझिए कि यदि आपको किसी देश से मतलब अमेरिका से अरबों डॉलर की वित्तीय सहायता चाहिए, यदि आपको अमेरिका से आर्म्स एंड एम्यूनेशन जंग के लिए चाहिए, यदि अमेरिका का डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए, तो आप रीस्केड्यूल कर सकते हैं। ये कोई ऑर्फनेज में जाना ऐसा नहीं है कि ऑर्फन्स जो है बेचारे वो मना कर देंगे कि नहीं, अगर अभी नहीं आएंगी तो अगली बार हम अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। तो ये सीधा डिनाई किया गया है। और जब आपको इतनी मदद की जरूरत है अमेरिका से, तो आप अमेरिका की सरकार के निमंत्रण को कैसे रद्द कर सकते हो, कैसे उससे इनकार कर सकते हो? दूसरा, जो नवेलनी की वाइफ का बताया जा रहा है कि वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके पति की मृत्यु के उपरांत वो काफी ट्रेवल की हैं, तो शायद वो थक चुकी हैं, लेकिन ये बात भी हजम नहीं होती मुझे। मुझे कुछ इस पे दूसरी चीज लगती है। देखिए, जहां तक नवेलनी का विषय है, नवेलनी ने बेसिकली 2014 में जो क्रीमिया पर कब्जा किया था रशिया ने, उसका समर्थन किया था, और नवेलनी बेसिकली जो राइट विंग और नस्लवादी, खास तौर से जो नस्लवादी राइट विंग ग्रुप्स हैं रशिया के, उनसे एसोसिएटेड थे। तो संभवतः इन दो कारणों की वजह से, एक तो क्राइमिया सबसे पहले, और दूसरा जो नस्लवादी, हालांकि नस्लवादियों के साथ तो ज़ेलेंस्की भी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तो अजाव बटालियन जो है वो तो नाजी है और वो नाजी सिंबल्स भी लगाते हैं एनीवे। लेकिन प्राइमरीली मुझे लगता है चूंकि नवेलिनी ने सपोर्ट किया था कि क्राइमिया के कब्जे को, तो संभवतः ज़ेलेंस्की की वाइफ उनके साथ बैठी हुई दिखना नहीं चाहती। और जहां तक कि इनकी बात है ज़ेलेंस्की की, चूंकि ज़ेलेंस्की जो है वो क्रीमिया को भी एनेक्स करने, वापस लेने की बात करते हैं, और रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो संभवतः नवेलनी की वाइफ जो है वो ज़ेलेंस्की की वाइफ के साथ दिखना नहीं चाहती फोटो में। लेकिन अमेरिका समझता है, अमेरिकी बाइडन सरकार जानती है ये बात कि जो अमेरिकन जनता है वो अनभिज्ञ है इन सब चीजों से, उनको ये सब चीजें समझ नहीं पड़ती, इसलिए अच्छा फोटो आता कि दोनों वाइफ साथ में बैठी हैं, मतलब ज़ेलेंस्की की वाइफ और नवेलनी की वाइफ दोनों साथ बैठी हैं, वो फोटो अच्छा बनता और उससे कहीं प्रोपगंडा मिलता, लेकिन वो प्रोपगंडा फेल हो चुका है। लेकिन मैं दूसरी चीज कहता हूँ, आप तीनों डॉट्स को मिलाएं, आप देखिए कि विक्टोरिया न्यूलैंड को बाहर का रास्ता दिखा दिया जा चुका है स्टेट डिपार्टमेंट से, और ये दोनों लेडीज ने आने से इनकार कर दिया है। ये साफ दर्शाता है कि रूस जो है वो जंग जीत चुका है, यूक्रेन की जंग में पश्चिम हार चुका है।